मकान में डकवॉक करते हुए वहां तक आपको जाना है। अपनी अपनी कैप में दो दो पत्ते तोड़कर दौड़ते हुए लौटना है। सिट डाउन एवरीबॉडी, फ्रंट लाइन वॉकिंग कमेंस, सेकंड लाइन कमेंस, एडवांस स्टार्ट, एडवांस, थर्ड रो कमेंस, एडवांस। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लिबर्टी लूंगी, गोवा की मशहूर बीचेस पर तैरूंगी, सब चौपट हो गया थैंक्स टू यू विनीता। नेवल ऑफिसर पर हमेशा दोहरी जिम्मेदारी होती है, देश का नागरिक, एक ड्यूटीफुल सिटीजन, और सिपाही होने की वजह से उसे हर वक्त इस बात का एहसास रहना चाहिए कि जंग में जीत और सिर्फ जीत ही उसका लक्ष्य है। There is no substitute for it। अगर एक अफसर हारता है तो समझिए कि पूरे देश की हार होती है। इसीलिए नेवी में अफसर का सबसे पहला कर्तव्य देश की रक्षा के प्रति होता है, दूसरा अपने जहाज और सेलर्स के प्रति। कैरत सेना, क्या तुम बता सकती हो कि मर्द अफसरों का किसी भी आम महिला के प्रति क्या रवैया होता है? हाउ डू दे बिहेव विद हर? कीप स्टैंडिंग। असल में एक नेवल ऑफिसर किसी भी महिला को अपने से ज्यादा इज्जत, अपने से ज्यादा अहमियत देता है। अगर एक महिला खड़ी हो तो वो कभी नहीं बैठता, फिर चाहे वो एडमिरल ही क्यों ना हो। यस कैरत दास गुप्ता, एनी प्रॉब्लम? कुछ भी तो नहीं सर। बैठ जाने यार। सुना नहीं सर ने अभी क्या कहा? औरत के सामने अफसर नहीं बैठता। तो अभी गजे देखता नहीं प्रिया खड़ी है। ये सब क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? कुछ नहीं सर। तो फिर आप सभी खड़े क्यों हैं? सर जब एक महिला खड़ी है तो हम कैसे बैठ सकते हैं? व्हाट कैरेट सिन्हा सर? गुड, औरतों के प्रति आप लोगों का आदर देखकर मुझे खुशी हुई। सर मतलब प्रिया बैठ सकती है? नो शी वॉन्ट्स इट। और चूंकि वो खड़ी है इसलिए आप सभी को भी खड़ा रहना पड़ेगा। ओके अबे मरवा दिया ना।
और हाँ, कल आप लोग हंसा जा रहे हैं नेवी बॉल की तैयारियों में मदद करने के लिए। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप सभी लोग नेवी बॉल में हिस्सा नहीं ले सकोगे, बिकॉज नेवी बॉल में हिस्सा लेने के लिए ऑफिसर होना जरूरी है, और अभी तक आप लोग ऑफिसर्स नहीं बने हैं। लेकिन लड़कियों के लिए खुशखबरी है, अगर कोई नेवल ऑफिसर या कोई सिविलियन आपको अपने साथ ले जाना चाहे तो आप लोग जा सकते हैं। Enjoy yourself. Have a great time. कैसे? यू ही क्रिस को छोड़ने। ओह, ऑलराइट, सी यू इन द इवनिंग, बाय। ऑलराइट, क्रिस, तुम्हें अपनी मेहनत से इस नेवी बोर्ड को कामयाब बनाना होगा। यस मैम। एंड नो मिस्चिफ, हाँ? अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी शैतानी की तो नो मैम। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओ बाय द वे, तुम्हारे बॉस होंगे लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ खुराना। यस मैम। ठीक है। टेबल्स, कुर्सीज और बायर्स का इंतजाम 5 बजे तक हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ओके ओके गर्ल्स, यू कैन गो एंड रिलैक्स, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। व्हाट आई मीन व्हाई सर? क्योंकि सारा काम हो चुका है, तुम लोग आराम कर सकती हो। सर, हम मानवी से यहाँ आराम करने नहीं आए। यस सर, हम अपनी ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ आराम करने नहीं आए हैं। हमारे लायक अगर कोई काम नहीं है तो प्लीज हमें एकेडमी वापस भेज दीजिए। ऑलराइट देन, तुम लोग किचन में रिपोर्ट करोगी। यस सर। तुम लाइटिंग में सेलर्स की मदद करोगी। यस सर। ओके, एंड यू सचदेव, तुम एक काम करना है ना? यस सर। गुड, यू विल टेक ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम मी। तुम एंट्रेंस साफ करो। व्हाट? ऑन द डबल। यस सर।
लिमिट ट्रेलिंग बिल बनाया तुमने? अच्छा पढ़कर सुनो। ओके ऑलराइट फाइन, बाकी काम तुम संभाल लेना। ऑलराइट सब काम हो गया सर। So I was a decadent. Fine, sir. Agree? No. Good. क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। मुझे इस तरह के फ्लायर्स कल सुबह 9 बजे तक चाहिए। All right. कितने? 1000. What? I mean, मैं कब करूँगी सर? क्यों? पूरी रात बाकी है। Get to work now. Sir. चीफ गेस्ट के साथ हमेशा डांस करना पड़ता था। तो जस्ट इमेजिन अगर जैकी श्रॉफ को चीफ गेस्ट बुलाया तो रियर एडमिरल करण खुराना को जैकी के साथ डांस करना पड़ेगा। तुमको 1000 फ्लायर्स बनाने को कहा था, कहाँ है वो? सर रेडी सर। ये सब कब बनाए तुमने? रात को सर। तुम सोई नहीं? फिर आज काम कैसे करोगी? हमारी वर्किंग कैपेसिटी का आपको अंदाजा नहीं है सर। ओह रियली? तो फिर तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी में ये फ्लायर्स जगह जगह लगाना नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हम आपके ऑर्डर्स के बिना कैसे कुछ करें? ओह कम ऑन, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब फ्लायर्स बना है तो लगाने भी हैं। कम ऑन डू इट नाउ सर। गर्ल्स मेरी मदद करोगी प्लीज? लेट्स गो। तो कैसे चल रहा है? गुड। हाय सिद्धि। हेलो जोशी। हाउ आर यू? फाइन, क्या हो रहा है? बस फर्स्ट क्लास। कैप्टन पारिक तुम्हारे इंस्टॉलमेंट्स अरेंजमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। स्टॉप। ओह माय गॉड, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं यार। डोंट टेल मी तुमने सोचा नहीं। तुम्हें मालूम है समय क्या हो गया? देख जोशी, मुझे और टेंशन मत दे यार। आई एम ऑलरेडी इन टेंशन, ओके? तुम क्यों इतनी टेंशन अपने दिमाग में लेते हो? इमरजेंसी की टेंशन कम है क्या जो तुमने ये भी अपने सर पे ले रखी है? ओह माय गॉड, मुझे सीएनसी से भी मिलना है। सुन जोशी, अपने स्टॉल्स में अगर 2 ग्लास, 1-2 कुर्सी और 1 पानी का जग अगर रख दें तो व्हाट डू यू थिंक? और मेज? वो तो होगा ही ना। ठीक है, तो फिर तो करवा देगा। कुछ लड़के हैं तुम्हारे पास? है ना, ये लड़कियों की पलटन। नहीं ठीक है, मैं अपने लड़कों से करवा दूंगा। ओके थैंक्स। हाँ चल बाय, सी यू। एक काम है और एक काम। यस कम ऑन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओ या कुमार, थैंक यू, तुमने बहुत बड़ा काम किया मेरा। थैंक यू, गुड बाय। ओके स्टॉल्स तैयार हो गए। जोशी के लोग आए थे? नहीं सर, उनके आने से पहले हमें लंच होने का था। और ये सब तुम लोगों ने किया? यस सर, हर स्टॉल में 2 कुर्सियां, 2 पानी के ग्लास और 1 जग। करेक्ट लिस्ट। ये सब कब किया तुमने? अभी अभी सर, आप लेफ्टिनेंट कमांडर जोशी से बात कर रहे थे, वो मैंने सुन लिया था। और
और अगर मेरे प्लान्स चेंज हो जाते तो नेक्स्ट टाइम वेट फॉर माय ऑर्डर्स ओके. मुझे लगा ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है सर, बट नेक्स्ट टाइम आई विल वेट फॉर योर ऑर्डर्स. ऐसी बात नहीं, हमने तो शादी के बाद भी शैतानी की है. इसलिए तुम्हारी मम्मी के साथ और किसके साथ? भाई पति पत्नी साथ साथ रहें तभी तो पता लगता है कि आप शादीशुदा हैं. हमें तो तमाम उम्र ऐसा ही लगता रहा है कि मीरा हमारी प्रेमिका ही है. आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए. बच्चों के साथ रहने का मौका ही कहाँ मिला है. तुम जानते हो कि ये पहली बार है कि कदम से बाहर चलने इकट्ठे रहे. हमारी शादी को 34 साल हो गए और शादी के ठीक 1.5 साल बाद मेरा बाजार में ट्रांसफर करा दिया गया था. तब सिद्धार्थ मेरे पेट में था. अब 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ लेकिन क्या करते, ड्यूटी इज ड्यूटी. लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, काम में मन नहीं लगता था. कौन? आप लोगों को तो बहुत परेशानी हुई होगी. बहुत परेशानी होगी, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि एक बच्चा और होना चाहिए ताकि दोनों बच्चों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाए और इनकी परेशानी कम हो जाए. इस तरह साहिल महाशय इस दुनिया में आए. लेकिन उसके बाद हमारी एक जगह पोस्टिंग है. ये पिछले साल गॉड्स ग्रेस हम लोग गोवा में आए, लेकिन वो भी कैसे, मैं गोमान तक में, सिद्धार्थ हंसा में और मीरा मांडवी में. लेकिन हमने फैसला किया है कि हम सब लोग एक ही जगह रहेंगे. अभी तो सारा खानदान इकट्ठे रह रहा है लेकिन न जाने कब कहां किसके पास हो जाए. देखा लिखी पौधे की जिंदगी ऐसी होती है. मेरे मम्मी का डिग्रेट है लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं. एक्सक्यूज मी निकी, आई जस्ट जॉइन. यस सर. चलिए फौजी ना बनूं. कल को मेरी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ रहूं. ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पानी में रहकर मछली तैरना सीख ही लेते हैं. हमारा किलर शार्क कहां है जी? सिपाही अभी तक नहीं है. उसके तो आप बात ही मत करिए. जब तक वो नेवी बॉन्ड खत्म नहीं होगा ना, उसको पता ही नहीं लगा कि उसका कोई घर भी है. तुम यहाँ क्या कर रही हो निकिता? भाई से मैंने इनवाइट किया लेकिन इसे तो बहुत काम है. शी शुड बी वर्किंग. सो डिड सिद्धार्थ. बट डोंट फॉरगेट, तुम्हें सारा मटेरियल कल सुबह 9 बजे तक पहुंचाना होगा. डोंट वरी सर, सुबह 9 बजे से पहले ही आपके टेबल पर सारा मटेरियल पहुंच जाएगा. गुड. सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है. Let's go in. Excuse me. Coffee? Yes, please. हंसा में बहुत ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता है? नहीं, मैं कर सकती हूँ. No problem. Yeah. Thank you. सिद्धार्थ और तुम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मैम. देखिए, मैं जानती हूँ कि सिद्धार्थ ही वो ऑफिसर है जिसने तुम्हारा अपमान किया है. मैं पहले दिन से जान रही थी. कुछ 2-2.5 साल पहले सिद्धार्थ की शादी
भारती से कहने उसे अपना एकड़ा दिखाने ले गया था। नीचे उतरने वक्त भारती गिर गई, उसका सर जोर से जमीन पर टकराया, सुप्रीम हैमरेज हो गया। वो कौन? और सिद्धार्थ की आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई। ये सपना वो आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना ही भूल पाया। उस दिन तुम भी तो गिरने लगी थी।